अगर आ चुनाव जीती भी जाता आपरो काम हो रहे तो हमारा समाज ने एक करवानो काम रहे तो बटे बोलवा लड़वाड़ो काम ते मारे एकला बल्ले संबंध मोरे कित तो के सब तने बोलवो लड़वो बटे करवो पर तुम्हारी जिम्मेदारी थी तुम्हारी जिम्मेदारी अबार भी बाकी है। आप सब ने आदिवासी समाज में जितना भी आप सब जन्मिया हो एमने सोचवो है के अशोक आर्य अशोक ने आर्य सब अशोक आर्य ये नहीं सोचवो आपने आपने अबार सोचवो कि आपने सब आर्य सब क्योंकि आपने कह दियो है भाषण में के एमएलए तुम सब बनोगा और बाजार में भी 20 बातें चलती अल आराधा बाप वाला जीती जीत केरे केरे एमएलए बने कवड़ा भी एवी समस्या ने आवाज जोगा के मु तमे वैसे ने उभो चाहे काई भी थई जाए इतरे मारा भाईयो दुख है आपने ने पर आपने एक बात सोच भी है के आपड़े दादा गुरु भवर जी कहता के आदिवासी ने एक करवा मुश्किल है पर एक थाई जे पास रोकवा मुश्किल है तो आप सोचो ने लास्ट बे राउंड तक ते बड़ा ने तड़क ने राखी सब करोड़ों रुपया फेंके उन्होंने सही बात है करोड़ों रुपया फेंकवा बाद भी आपड़े आ गया ने पहला एक थाया तारे आ रिया तारे आ रिया करोड़ों रुपया फेंकवा बाद आपड़े आ गया ने हां सही बात है एक बड़ा बे ही नहीं एमा मारे एमस केवू है के जे पाई कांग्रेस बीजेपी में अबार मजा ले रही है पड़ा का भी फोड़ता है सार दाड़ा फोड़वा दीजो पांच दाड़ा फोड़वा दीजो महीनो फोड़वा दीजो पसे वेने तीरो रहे हा दिन बेवड़ा भी पूछ दो हेलो काई बात ने कांग्रेस जीती दे काई बात ने पर मने एक बात बताड़ो पहले हेंगले थाई ने कांग्रेस ने वोट आ लिया आपड़े केर मकेर में लड़ाना ये नो हो कारण पहला बीजेपी ना था ई कांग्रेस में आल्या तो तमे दो विचार किन्ने करता एवो हो तो अशोक में कने भारत आदिवासी पार्टी में एवो हो तो एवो एम तो के आना क्षेत्र नो विकास था तो समाज में एकता आवती क्षेत्र में विकास था तो बीजी के मन लड़वा मळतो या ने लड़वा मळतो दो समाज एक थाई ने बीजा के ने भी मोरे करतो अबार मुसनाव जीतो फरी बीजो जीतो फरी जीतो फरी जीतो अणा नेम खबर है के जे दा सोरा काम करी रिया है और जे बुजुर्ग जोड़ाना है हमज थाई गी है अवे अणा में सामाजिक एकता आवी गी पार्टी हाते हाते हु आवी गी है सामाजिक एकता और सामाजिक एकता है जरा समाज में एकता है वणा समाज में कोई अरावी नहीं सके चाहे राजनीतिक वे चाहे बीजो भी वे पहला राजा प्रजा में भी लड़ाई सालती थे जे मजबूत वो तो वो जीती जातो एकता रहती रहती के नहीं रहती तो अबार भी अना लोकतंत्र में भी दे लड़ाई है पर लोकतांत्रिक लड़ाई है पहला बंदूक इन तरवारे लेके लड़वो पड़तो अबे लोकतंत्र की स्थापना देश आजाद थवा बाद इतरे स्थाई थी इतरे मार भाइयों कई सड़कों ने करवो है बेसार दाड़ा पांच दाड़ा मन में दुख रहे पर आप थे की एकस गुजारिश है के जे कांग्रेस बीजेपी में आपरा होड़े होड़े भाई है मन हम दाड़ा तमे लड़ाई करी जो मते आज बेगा के ताला आला के आपरा स्पाई है काय बात अगली बार देख पर आलतम बीजी के वो हाथे थोड़ा था अपन को समाज को एक करना है अपनी लड़ाई वे है शुरू तक की जब ये पार्टी अने पार्टी नो निर्माण ने थायो तो इंदाड़ा तक की अपनी लड़ाई समाज नी एकता नी है आपनो समाज जे फूलीजू है जे परिपाटी बनी थकी है जे संस्कृति है आपड़ी जब तक आपड़ी संस्कृति ने बसेगा आपड़ू ने बसंगा जीवता ते रंगा पण जीवता नजरे ने आव ई लड़ाई है ने ते मने तमे एक बीजी हूं समस्या थाई के लाडो के वा पाळो तो करा कळे जीत जाय तो जीत भाई अटेस्ट खबर पाड़ी के समाज में एकता आवी के ने आवी आवी आज ये पेड़ा थवा आवियत वा मने ने उड़ करिया इसका मतलब और जोश में आदमी कैसा हुआ तो हुआ कैसे और वा एम के हे कई नो सब पालो अब विचार करो तो समाज में एकता है कि नहीं सही है समाज में एकता है सर खूब खूब परिवर्तन आवियो हां खूब परिवर्तन आवियो गजब जोर में क्या बात मन में देम थातो आ रही होती की है हां पर आप बटे बड़े तरीके से कि भी सोसो एकता कैसी आवी आप तो जे आदमी ओळखतो तने तो जानतो ने तो व्यक्ति विशेष ने देखियो पार्टी ने देखी समाज देखियो समाज इधर आपड़े हल्के सोरियासी थका तमन विश्वास धरावो मो आवा वाला टाइम में जब राजकुमार जी जीत्या ने 60,000 वोट थकी जीत्या 69,000
तो आप विचार करो वो आदमी मेरे मेरे रहियो विधानसभा में प्रसार नहीं करवा मिलियो फिर भी 70,000 वोट दी। उमेश भाई डामोर तेल वाला चुनाव में 3,000 वोट तक आ रिया अलगे जितिया कहते जितिया थावरो भाई 10,000 वोट तक ही पहल उपचुनाव में आ रिया अबार जितिया कहते जितिया तम अबार तक ही मैं तक यार मानी जो बना टाइम आप रहे ये तो नोट कर लियो और अटे तो को जबला टाइम शुरू थाएगा जबला अनंत पसीना आ जाएगा एक वाला आपनो टाइम शुरू दो शुरू थज जट को टाइम जीत हार जीत ही वोट नहीं पी रहे सही है ये तो मतलब एम नहीं है कि एक वोट कम मिल जाओ वो आ रही क्यों हार जीत एक वोट की भी होती है ना आपने सपा नेड़ा आता है सपा नेड़ा 24वां तक तो 644 प्लस था आपने 621 25 और 36 कारण कटे ने कटे आपने हो थई जो युवा सोरा था वण में नवा वोट था ये अपडेट नहीं थई गाड़ी काम बचा सही है ये सब तक की मोटी समस्या आ गई आप लोगों तो आप सभी तक की पुनः गुजारिश है आप जेवा अबार मंडी रिया था एवा देवा पंचायती राज में मंडी रहजो लोकसभा में मंडी रहजो विधानसभा में मंडी रहजो और काट वय नोत्र वय कटे भी सामाजिक मूवमेंट है तमार राजनीतिक बात कम करवी है समाज की बात वधारे कर राजनीतिक वाले है पहल समाज है समाज है तो राजनीतिक इधर आपड़े हो पहल कांग्रेस बीजेपी भी मस्त आयो अने राजनीतिक ने ज्यादा महत्व आयो ते वा आदमी आज छोड़वा बंदे तैयार ने अलका आपड़े समाज ने एकता कर भी है इस बात के इन मोमारी बात ने विराम करो आप सब ने जोहार जय गुरु जय श्री कई लोग आरिंद रोए आंसू टपके लेकिन मैं उस समय निकला मेरी जनता का जो प्यार था उस प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया मेरे आंसू टपके और मैं आपको कह रहा हूँ अवश्य कि आप सब मिलजुल के रहना एकजुट रहना और अवश्य इस समाज का इस क्षेत्र का भला करेंगे अपन सब मिलकरेंगे हर प्रकार से फिराएंगे और वो सभी ने निवेदन करवा चाहूँ वो गाटोल विधानसभा भी अपनी जीती की बारे में राजेन भी फाइनल परिणाम नहीं आप जो एम कई और 84 ने पहल के था जयपुर जयपुर जाता डूंगरपुर बासवाड़ा किधर है 84 तो नाम नहीं जानता लेकिन 84 ने पूरे देश जानी क्यों है 84 वाला पास चले जाओ एक तो पहल परिणाम आप लोग आप जो और आपने 111,000 वोटर थे की जिच्चा कर ला और 69,000 ने लीड रह जी आपने कर ली 69,000 ने लीड रह जी बिलावड़े कांग्रेस बीजेपी निर्दलित सब मड़ा भी एक तरफ और अपने एक तरफ और मुझे पता है कि मेरे से ज्यादा मेरे कार्यकर्ताओं ने आप जनता ने मेहनत की है। मैंने पहले ही कहा था जब टिकट का हुआ मैं 84 के अलावा दूसरी विधानसभा में ध्यान दूंगा और मैंने नामांकन के बाद भी 6-7 दिन दूसरी विधानसभा में गया और 84 के कार्यकर्ता डट के रहे इसके लिए तह दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बड़े बड़े कांग्रेस बीजेपी के नेता भी अपनी विधानसभा छोड़ के नहीं गए थे और आप पर मुझे भरोसा था और ये विधानसभा में कई दिन 6-7 दिन दूसरी जगह रहा और आपने आज संभाला कने कल्पना भी नहीं की थी कि अटली लीड मिलेगा लेकिन आज साबित था ही क्यों डूंगरपुर के अधिकारियों ने कहा मेरे को कि किसी ने सोचा भी नहीं था इतिहास में पहली बार इतनी लीड से जीते ही और आपने से वोट नो अधिकार है लोकतंत्र ये लोकतंत्र पहली बार आपने स्थापित था जो 2018 में और इस बार हाईएस्ट 2023 में लोकतंत्र कई नेता दादागरी दम माते अपने मनकर परेशान करता कई लोगों ने दारू के दम पे कई लोगों ने पैसों के दम पे कई लोगों ने लड़ाई झगड़ा भी किया
और मैंने मेरे सारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया था कि अपन को चुनाव तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई हरकतें नहीं करनी है। मैं इन सारे कार्यकर्ताओं को दाद देता हूँ कि एक होड़े हमारे 150 कार्यकर्ता उबाई और कमल कांग्रेस वाला बेज होना धांधली करता थे, हमारे 150 आदमी नहीं बोले थे, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। मैं इन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले बेहतर जोड़ा फालतू फूफन करी करते और हमारे 150 लोग खड़े रहते कुछ नहीं बोले और आपने रात दिन मेहनत करके जिताई, ये आपकी असली जीत है। बाकी पहला ने बार सब बाड़ी उठी खबर पड़ी गई हो कि टिकट दिल्ली और जयपुर लाभा था कि मतलब ने टिकट तो 84 वाला आलेगा तेज इतने अपना बातें बहुत सारी है। एक बड़ा सम्मान समारोह रखेंगे या तो ब्लॉक वाइज 3 रखेंगे, ज्योति सिमरवाड़ा चिकली का